बारिश में एक घंटा बाइक चलाने के बाद यह है मेरा बाइक का हाल। देखिए मेरा हेलमेट का क्या हाल हो गया है, पूरा बाइक का पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है बाइक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरके बाइकर। टुडे इज 7 जुलाई and I'm starting this blog regarding kind of good things also the bad things। तो first of all मैं आप लोगों से बहुत sorry बोलना चाहूँगा क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं अपने काम में इतना बिजी था, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मेरा ऑफिस है, तो उस काम में इतना बिजी था और थोड़ा सा भी मेरा माइंड लो हो गया था, एक बैड न्यूज़ आ गया था मेरे, वही मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग विद आरके बाइकर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आई चेंज माई क्लॉथ्स एंड कपड़ा, देख के आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। यस, दिस इज द ऑफिस डे और नॉर्मली इतना प्रेशर है ऑफिस का तो टाइम ही नहीं मिल रहा है ब्लॉग बनाने को, तो आप सोचा कि चलते चलते रास्ते में कुछ ब्लॉग बना लिया जाए। तो चलिए बताते हैं गुड थिंग्स और बैड थिंग्स के बारे में जो कि मेरे लाइफ में पार्ट्स 1 वीक से हो रहा है। सो गाइस, आई एम ऑन माय वे टू द ऑफिस। अभी मैं हूँ अपना अपाची 204B में। तो मैंने सोचा कि आज का पूरा ब्लॉग मैं ऑफिस जाते जाते बाइक पे ही बना लूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है, बहुत शॉर्टेज ऑफ टाइम हो गया है मेरी लाइफ में और बहुत ही उल्टा सीधा चल रहा है। सो गाइज, इस ब्लॉग के शुरू पे मैंने बताया था गुड थिंग्स और बैड थिंग्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं गुड थिंग्स के बारे में। तो गुड थिंग्स ये है कि मैंने अपना 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है और मैनी मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स और सपोर्टर्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया जिसके वजह से मेरा चैनल ग्रो हो पाया और फ्यूचर में भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करके मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छा अच्छा व्लॉग्स दे पाऊँ और एक अच्छा यूट्यूबर बन पाऊँ। और बैड थिंग्स तो बहुत सारे हैं, एक एक करके मुझे चालू करना पड़ेगा। पहला बैड थिंग्स तो ये है कि मेरा जो ट्रिप था 13th को, मेरा ट्रिप था झारखंड का, वो कुछ दिन के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है। और क्यों हुआ है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो पोस्टपोन इसलिए हुआ है क्योंकि एक्चुअली मेरा 5 तारीख को मेरा पेपर्स आने का बात था, तो 5 तारीख को मेरे पेपर्स नहीं आए। तो मैंने जब फ़ोन किया शोरूम पे तो वो लोग बोल दिया कि सर एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है, मैं हम लोगों ने जो पेपर्स भेजे थे प्रोसेसिंग के लिए तो वो पेपर्स लौट के आ गया RTO ऑफिस से। मैंने बोला कि क्यों, ऐसा क्यों हो गया? तो बोलता है कि एक नया सा रूल्स आया है, रूल है कि अभी कोई भी व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए तो जो ओनर है उसका ड्राइविंग लाइसेंस का जेरॉक्स देना पड़ेगा। मैंने बोला तो ठीक है, तो आप लोग तो पहले भी बोल सकते हैं क्योंकि मेरा होटल बुक किया है, मेरा एक ट्रिप प्लान हो गया है, मीटअप प्लान हो गया है, तो ये आप क्यों बोल रहे हैं अभी इतना दिन बाद? तो हम तो बहुत झाड़ा उसको शोरूम पर जाके, लेकिन क्या कर सकते यार, गवर्नमेंट का रूल्स है तो हम लोग को तो फॉलो करना ही है। तो इसी वजह से प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने सोचा कि अपना ट्रिप थोड़ा सा पोस्टपोन कर लूँ तो नेक्स्ट महीने कर लूँ, क्योंकि पेपर्स नहीं मिलने से तो नहीं होगा, इतना दूर तक जाने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो ये है बैड थिंग्स और कुछ कुछ बैड थिंग्स हो रहा है वो भी मैं बताऊँगा। और सेकेंड बैड थिंग ये था कि मेरा गाड़ी के रिलेटेड था, गाड़ी में एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था। प्रॉब्लम छोटा सा था लेकिन दर्द बहुत बढ़िया सा दे रहा था मुझे। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं लास्ट जो व्लॉग अपलोड किया, व्लॉग अपलोड करके आने के बाद रास्ते पे मेरी गाड़ी का फ्यूज़ उड़ गया। तो पहले मैंने सोचा कि क्या हो गया, ये वायरिंग का प्रॉब्लम हो गया क्या, मैं तो एकदम डर गया पूरा, कुछ भी लाइट नहीं आ रहा, कुछ भी इग्निशन कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं अपने लोकल मैकेनिक जिसके पास मैं गाड़ी का सर्विस करवाता हूँ तो उनके पास लेके गया, तो वो देख के मुझे ठीक ठाक कर दिया। तो वो ये प्रॉब्लम मेरा फ्यूज़ का प्रॉब्लम 2-3 बार हुआ, क्योंकि चलिए पहले फ्यूल अप कर लेते हैं क्योंकि मेरे बाइक पे अभी लेस फ्यूल है और मुझे टोटल 70 किलोमीटर्स आज
टू वे डिस्टेंस कवर करना है आने का जाने का। रिलायंस का पेट्रोल पंप है, अच्छा सर्विस देता है, मेरा दोस्त ने भी बोला मुझे, तो चलिए आज पहले फ्यूल अप करके देख लेते हैं। सामने एक ड्यूक वाला है, 390 ड्यूक 2018 एडिशन, अच्छा बाइक है, सोचता हूँ हम भी एक ले लूँ, देखा जाएगा। दादा 100 78 रुपीज लीटर। तो मैंने अपना बाइक लिया था बाइक वर्ल्ड कच्चापाड़ा से, तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं जो मेरे आसपास के हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ यहाँ से बाइक मत लो बाइक वर्ल्ड से, क्योंकि दे आर गिविंग द पैथेटिक सर्विस टू द कस्टमर्स, और उन लोगों का ठीक ठाक बर्ताव भी ठीक ठाक नहीं है, और सर्विस तो कुछ भी नहीं देता है। मतलब मेरा पहला सर्विस भी थोड़ा सा उल्टा सीधा कर दिया था उन लोगों ने, तो वहाँ से मत लीजिए। तो ये था मेरा प्रॉब्लम्स, तो चलिए आगे रास्ता एंजॉय करते हैं। और तो ये था मेरा बैड थिंग्स जो मैंने दो तीन दिन से फील किया, वही अपना ब्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर बताया कि ये सब मेरे लाइफ में चल रहा है, इसी वजह से मैंने 1K होने पर भी अपना कोई भी वीडियो नहीं छोड़ पाया, क्योंकि मेरा मूड बहुत लो था कि मेरा बाइक के साथ ये सब हो रहा है, मेरा पेपर्स नहीं मिल रहा है, कहीं मेरा ट्रिप ना कैंसिल हो जाए, ये सब डर मुझे इतने दिन से चल रहा था, इसलिए मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया। आई एम सॉरी फॉर दिस। तो ब्लॉग मतलब मैं राइड में ज़रूर करूँगा, झारखंड राइड में कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस तो कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया हूँ। मैं ज़रूर करूँगा ये राइड, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये राइड करने के लिए। मेरा बहुत सारा दोस्त लोग ब्लॉगर्स लोग ये सब बातें कर रहे थे कि वो लोग भी घूम के आए झारखंड से घाटशिला से, तो मुझे भी करना है। मतलब ये ड्रीम है मेरा कि घाटशिला में राइड करूँ। अरे बाप रे, लगता है बारिश होगा, एकदम थिक ब्लैक क्लाउड्स मैंने सामने देखा है। अभी ग्रुप बंद नहीं किया तो पानी से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सो टाटा, सब्सक्राइब माई चैनल आरके बाइकर। When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity. फाइनली गाइस, आई एम रीच माई ऑफिस, और क्या हाल हो गया है बाइक का मैं दिखा रहा हूँ। और मैंने अहम मोमेंट पे अपना गोप्रो बंद कर दिया था, नहीं तो एकदम पानी चला जाता, पूरा ड्रेन्ड हो जाता, एकदम शॉर्ट सर्किट हो जाता, तो कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाता। तो मैंने बस आप लोगों ने जो देखा, मैंने फ्यूलिंग किया, उसके बाद ही बस पानी चालू हो गया। देखिए मेरा हेलमेट का क्या हाल हो गया है, पूरा बाइक का पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है बाइक।